दुनिया के दो बड़े बिजनेसमैन में होने वाली लड़ाई का इंतजार सबको है और दोनों इसके लिए अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। एक जो दक्षिण अफ्रीका में रियल हार्डकोर स्ट्रीट फाइटर्स में हिस्सा लिया करते थे, तो वहीं दूसरी ओर एक एक्सपिरेशनल एमएमए फाइटर रह चुके हैं जिन्होंने कई जूजित्सु टूर्नामेंट भी जीते हैं। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं हूँ गरिमा गौर। दुनिया के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच होने वाली केज फाइट जल्द ही इटली में हो सकती है। दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक और दुनिया के सात अजूबों में शामिल इटली के कोलेसियम में 26 अगस्त को दोनों के बीच केज फाइट होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मस्क ने बताया कि इस मुकाबले का पूरा प्रबंधन दोनों की फाउंडेशन कंपनियां देख रही हैं। इस फाइट का लाइव स्ट्रीम ट्विटर यानी एक्स और मेटा की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी किया जाएगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग 26 अगस्त को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ फाइट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क ने जब पहली बार जकरबर्ग को केज फाइट के लिए आमंत्रित किया तो जकरबर्ग ने मुकाबला स्थिति को आयोजित करने का सुझाव दिया था। हालांकि एलन मस्क ने अभी तक फाइट की डेट कंफर्म नहीं की है। एलन मस्क ने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में कहा था कि आज उनकी गर्दन और अपर बैक की एमआरआई होने वाली है, इसके बाद उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इस हफ्ते के आखिर तक वह डेट की जानकारी देंगे। एलन मस्क ने कहा कि यदि संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं खिंचा तो मैं मुकाबला जीत सकता हूं, क्योंकि मेरा वजन 300 पाउंड यानी 136 किलो है और मुझे भारी वजन का फायदा मिल सकता है। मस्क और जकरबर्ग ने केज फाइट के लिए ट्रेनिंग कुछ दिन पहले शुरू की थी, जिसकी कुछ फोटोज भी सामने आई थी। पहले यह फाइट अमेरिका के वेगास ऑक्टोगन में होने वाली थी। अब देखना होगा कि इस फाइट का नतीजा क्या होगा और कौन विनर बनेगा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।